बच्चों एक बहुत छोटी सी तुम्हें कहानी सुना रहा हूं मन की बात में मर्सिडीज का शोरूम था एक आदमी आया कपड़े ठीक ठाक पहने था आके उसने पूछा कि ये मॉडल कितने का है ई e क्लास और सी क्लास और ये और वो कितना माइलेज होता है एयर कंडीशनिंग कैसी है टेस्ट ड्राइव भी कई गाड़ियों के लिए बड़ी ठसक में था शोरूम के जो सेल्समैन थे वो भी प्रभावित थे किस तरह से पेमेंट होगा कैश ले सकते हैं या ऑनलाइन या अकाउंट नंबर दे दीजिए मैं उसमें चेक जमा कर दूं, मैं बस जमा करने जा रहा हूं, मैनेजर ने पूछा कि सर आप अभी जमा करेंगे पेमेंट अभी करेंगे मर्सिडीज़ का मामला है इतने लाख रुपए पचास लाख साठ लाख सत्तर लाख एक करोड़ जैसी भी कीमत की गाड़ी है उसने कहा बस आई एम रेडी टू पे मुझे तरीके बता दीजिए किस तरह पेमेंट करना है तरीके बता दिए गए उसने कहा ठीक है मैं जमा करता हूँ यह कह के वो शोरूम से निकला जब निकला तो एक सेल्समैन उसके पीछे लग गया तो देखा कि साइकिल पर बैठा और चला गया साइकिल से आया था सेल्समैन ने मैनेजर से कहा कि सर ये डील जो है फाइनल नहीं होने की यह आदमी साइकिल पे आया था इसकी इतनी हैसियत मुझे नहीं लगती है कि ये मर्सिडीज खरीद पाए बेटा ऐसा ही कुछ बहुत से लोग मेरे साथ करते हैं एक लाख अस्सी हज़ार का बैच एक लाख पैंतीस हजार का बैच थर्टी नाइन थाउजेंड का बैच ट्वेंटी नाइन थाउजेंड का बैच और पंद्रह पंद्रह हज़ार के तीन बैचेज हैं एक ग्यारह हज़ार का भी है और क्रिया ध्यान बैच इक्यावन सौ का है कोई भी बैच लेने की उनकी शक्ति नहीं होती लेकिन वो इतना अधिक पूछताछ करते हैं और ये भी कहते हैं कि वो पेमेंट के लिए तैयार हैं मैंने देखा है सामान्यतया ये लोग प्लेटिनम बैच की ही बात करते हैं एक लाख अस्सी हजार की क्योंकि जब झूठ ही बोलना है जब दिखावा ही करना है जब तंग ही करना है तो क्यों ना बड़े बैच के लिए किया जाए छोटे बैच के लिए क्यों किया जाए जब नहीं खरीदनी है तो क्यों ना मर्सिडीज ना खरीदी जाए फिर अल्टो ना खरीदने से क्या फायदा है कि अल्टो के शोरूम में गए और अल्टो देख के चले आए खरीदना तो है नहीं तो मर्सिडीज बी एम ऑडी ऐसे शोरूम्स में जाया जाए कम से कम ये तसल्ली तो रहे कि मैंने आज मर्सिडीज नहीं खरीदी आज मैंने बी नहीं खरीदी आज मैंने ऑडी नहीं खरीदी अल्टो नहीं खरीदी वैगन आर नहीं खरीदी क्या रखा है इसमें तो ये लोग सीधे प्लेटिनम बैच की बात करते हैं तमाम लोग आ चुके हैं अभी आप जब मुझसे बैच के बारे में पूछते हैं मुझे कोई समस्या नहीं है। जब मैंने फीस बता दी तब भी आगे बढ़ते हैं तब भी मुझे कोई समस्या नहीं आप बैच के बारे में पूछते हैं कि एक वीडियो कितने बार देख सकते हैं कौन से ऐप पर देखेंगे किस प्रकार वीडियो मिलेंगे स्टडी मटेरियल क्या है वैसे स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी मिलता है तो ये सब प्रश्न जब आप पूछते हैं पेमेंट कैसे होगा वगैरह मुझे कोई आपत्ति नहीं यानी अगर आप तब भी एडमिशन नहीं लेते हैं तो लेश मात्र भी मुझे दिक्कत नहीं लेकिन बेटा जब आप अकाउंट नंबर पूछते हैं ये गलत बात है अकाउंट नंबर जब आप पूछते हैं तो मुझे आपकी चिंता होती है आजकल तमाम फ्रॉड का ज़माना है आपने ज़रा सा अकाउंट नंबर में गलती कर दी किसी और के अकाउंट में पैसा पहुंच गया ये फ्रॉड नहीं कहा जाएगा आपकी गलती कही जाएगी आप तो सोच रहे हैं कि आपने पैसा जमा कर दिया पैसा मेरे खाते में आया नहीं या आपने जमा किया बैंक की गलती से वो दोबारा आपके खाते में पहुंच गया आपको पता ही नहीं चला आपने निश्चिंत बैठे हैं कि हमने तो सर के खाते में जमा कर दिया था पैसा एडमिशन हो जाएगा या आप प्रोसेस नहीं समझ पाए हैं कि किस तरह होती है यानी जब आप पैसा जमा करते हैं तो तुर, तुरंत आपको स्क्रीनशॉट भेजना होता है जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं मैं तीस सेकंड के अंदर अंदर बैच में आपको एड कर लेता हूं इट टेक्स ओनली फाइव सेकेंड्स लेकिन सारी प्रोसेस पूरी करते करते तो आधा मिनट लग जाता है तो जब आप अकाउंट नंबर पूछते हैं तो मुझे ये नहीं है कि मतलब आपने अकाउंट नंबर पूछा तो मैं खुशी के मारे फूला नहीं संभाला कि एक लाख अस्सी हज़ार आ रहे हैं कि एक लाख पैंतीस हज़ार आ रहे हैं बेटा मैंने बहुत पैसा छोड़ा है कमाया नहीं उससे ज़्यादा छोड़ा है लाखों रुपए की रिश्वतें मैंने यूँ छोड़ दी हैं पंद्रह साल पहले रिटायरमेंट लिया था असिस्टेंट कमिश्नर था सेल्स में अगर मुझे कमाना होता और मैं पैसे के पीछे पागल होता तो मैं आता ही क्यों सेल्स टैक्स छोड़कर व्यापारी कहते थे कि मैंने लाखों रुपया लेने वाले अधिकारी देखे हैं लाखों रुपया छोड़ने वाले अधिकारी नहीं देखा आज तक तो मुझे यह चिंता नहीं है कि आप एक लाख अस्सी हजार दे रहे थे आपने नहीं दिया तो हाय मेरे सीने पर सांप लौट गया कि आपने नहीं दिया ऐसा कुछ नहीं है मुझे स्वाभाविक चिंता होती जैसे बच्चों की चिंता बुजुर्गों को होती है आपने अकाउंट नंबर लिया आपने पैसा जमा कर दिया स्क्रीनशॉट बाय द वे नहीं भेजा कई बार बच्चे जैसे उनके पापा ने जमा किया पैसा अब पापा से वो बार बार कह रहे हैं कि स्क्रीन भेज दीजिए पापा ने स्क्रीन नहीं भेजा पापा से ज़्यादा कह नहीं सकते मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि स्क्रीन भेजें मेरे खाते में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है मुझे क्या पता कई बार आरटीजीएस करने में या आ, और और तरीके जो होते हैं एन वगैरह आधा घंटा लग जाता है पौन घंटा लग जाता है स्टेट बैंक होगा तो कहो एक दिन लग जाए हाँ योनो ऐप जो है उसका कोई ठिकाना नहीं है कहो पैसा वापस पहुंच जाए दोबारा ऐसा बहुत बार हुआ बच्चे परेशान बच्चे स्क्रीन शॉट भेज चुके हमें कि ये एक लाख अस्सी हज़ार जमा कर दिए मेरे खाते में आया नहीं मैंने कहा बेटा नहीं आया तो मुझे ये चिंता हो जाती जब मैंने बताया कि नहीं आया और एक घंटे बाद भी मैंने कहा कि नहीं आया दो घंटे बाद भी मैंने कहा नहीं आया फिर मैंने उन्हें बताया कि बेटा ये स्टेट बैंक है तुम्हारा हो सकता है वापस ना चला गया हो दोबारा उन्होंने देखा चेक किया तो पता लगा पूरा पैसा फिर से वापस आ गया उनके खाते में तो उन्होंने बैंक जाकर फिर भिजवाया तो जब आप अकाउंट नंबर डालते हैं तो मैं बार बार व्हाट्सएप देखता हूं और आपको कई मैसेजेस करता हूं ये इसलिए नहीं कि मैं अधीर हूं कि आप पैसे नहीं मिले मुझे ये इसलिए कि मुझे आपकी चिंता है आप हमारे बच्चे हैं आपकी चिंता है इसलिए अकाउंट नंबर मत पूछिए इसके बाद आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप जाने आपका काम जाने आप दिल्ली के सुपरफेल फैकल्टी वाली कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं लीजिए आपका पैसा है उसे बर्बाद करने या सार्थक करने का आपको पूरा अधिकार है आप खूब बर्बाद करें या सार्थक करें मुझे लेश मात्र भी परेशानी नहीं ना मैं शिकायत करूंगा लेकिन जब आप अकाउंट नंबर मांगते हैं जब आप लिखते हैं कि आई एम रेडी टू पे मैंने एक लड़के से दो बार पूछा कि आर यू रेडी टू पे क्या तुम अभी पेमेंट करोगे उसने कहा हाँ सर तब मैंने अकाउंट नंबर दिया और उसके बाद पिताजी से बात करनी है इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आए एकदम से अब मुझे टाइम लगेगा पैसे इकट्ठे करने में अब हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं सर हम मजदूर आदमी हैं ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग भाई मैंने कब कहा था कि आप क्या हैं मैंने तो एक ही बात कही थी कि जब आप रेडी टू पे हों बिल्कुल आप हाथ में लिए बैठे हैं अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रहे हैं तब मुझसे अकाउंट नंबर लीजिए जिससे कि फिर मैं एकदम बिजी हो जाऊंगा और मैं आपका व्हाट्सएप बार बार देखूंगा और आपको एडमिशन देकर ही दम लूंगा नहीं तो मेरा माइंड बराबर वहां लगा रहेगा सारे काम छोड़कर मैं तो दिन दिन भर वीडियो बनाता हूँ तो मेरा माइंड वहां लगा रहेगा कि ये बच्चा पैसा जमा करके बैठा होगा बेचारा इंतज़ार कर रहा होगा सर ने जवाब ही नहीं दिया सर ने बैंक का मैसेज ही नहीं देखा सर का रिप्लाई नहीं आया पैसा अटक तो नहीं गया कहीं तो मुझे आपकी चिंता होती है मुझे ये नहीं है कि आपने पैसा नहीं जमा किया तो हाय में मर गया कि हाय में बर्बाद हो गया कि मैं लुट गया कि आपने पैसा नहीं जमा किया अरे मत करिए ऐसे पैसे बहुत देखें आप पूछिए जो जिज्ञासा करनी है करिए लेकिन अगर अफोर्डेबल हो वो फीस अब मान लीजिए फीस जो है वो पंद्रह हज़ार है और वो भी अफोर्डेबल नहीं है आपके लिए तो कम से कम एक लाख पैंतीस हज़ार के बैच की एक लाख अस्सी हज़ार के बैच की जिज्ञासाएं है, अनुचित हैं आप ले सकते नहीं हैं है ना ये मजबूरी सही मुझे पूर्ण सहानुभूति है लेकिन आप ले नहीं सकते तो फिर उनकी इतनी जिज्ञासाएं करना मेरा समय नष्ट करना है तो बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम इस सीनियर सिटीजन को अनावश्यक तंग न करें बस यही मेरा कहना है यही आज की मन की बात थी थैंक यू गॉड ब्लेस यू